देखो नेक्स्ट चैप्टर इज एरर्स एंड एनालिसिस। एरर एंड एनालिसिस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज पहले रिसेप्शन पे जाएं और उनको कहें कि हैंड रिटन शीट की शीट नंबर 1 को प्लीज, जिसका टॉपिक है एरर एंड एनालिसिस, उसका प्रिंट आउट लें, तब शुरू करें। देखो इस चैप्टर में या अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि अभी मैथ्स चल रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, अभी हाथ से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो अभी भी हाथ से करनी है, लेकिन रूल चेंज हो गए। जो मेन पेपर आता है वो पेपर न्यूमेरिकल बेस ज्यादा आता है। स्कूल का पेपर 50% थ्योरी, 50% कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल आते हैं। कॉम्पिटिशन का टोटल न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल थ्योरी नहीं आती, सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड आता है। अगर एरर का क्वेश्चन आया उसमें से कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, सीधा न्यूमेरिकल आएगा और आपको एक रियल टाइम प्रॉब्लम देगा और आपको कहेगा कि एरर की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, बहुत सिंपल होगी। तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या रहेगा कि जो डेफिनेशंस में लोग राइट कॉन्स्टेंट एरर, आप कॉपी खोली, कॉन्स्टेंट एरर की डेफिनेशन लिखे जा रहे हो, पता लगे एक लेक्चर में क्या हुआ, 2 पेज हुए, उसमें से क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये नोट्स मैं लिख के लाऊंगा डेली। जितना काम आप करोगे, अगर आपको 4 घंटे लगते हैं तो बिलीव में मेरे को भी 4 से ज्यादा घंटे ही लगेंगे इसको बनाने में। और लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग देखोगे, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो लोग जिन्होंने अगर सुना होगा तो कुछ शीट्स, क्योंकि शीट्स अपलोड भी अपडेट होती हैं, तो मैं प्लस टू के लिए भी लिखता हूँ डेली और प्लस वन के लिए भी लिखता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस कॉन्सेप्ट समझना है। मैं हर चीज के एग्जाम्पल इसमें पूरे लिख के दूंगा आपको और पूरा समझाऊंगा कि कैसे चल रहा है ये। घर जाके आपने जो मैंने आपको लिख के दिया हाथ से, वो मैंने मेहनत की है, आप भी एग्जैक्टली उतने ही घंटे और उतनी ही मेहनत करोगे। आपको हर चीज रजिस्टर में लिखनी है। इससे क्या होगा कि आपका 2 बार रिपीट होगा, एक बार क्लास के अंदर और एक बार घर के अंदर जब लिखोगे तो सेकेंड टाइम रिविजन होगी। यहां पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, अभी के अभी वो कॉन्सेप्ट सिखा के फॉर्मूला बता के आपको अभी के अभी न्यूमेरिकल अप्लाई करवाना सिखाना है, क्योंकि जो चीज आनी है उसके ऊपर फोकस रखना है, राइट। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं न्यूमेरिकल करवा दूं थ्योरी ना करवाऊं, तो मैं पूरी थ्योरी को इस तरीके से कवर करूंगा और आप घर जाके रजिस्टर्स बनाएंगे। और वो जो रजिस्टर्स हैं वो हर हफ्ते चेक होते हैं वीकली कि आपने कितना काम किया। जिसने रजिस्टर में लिख दिया इसका मतलब वो रिवाइज करके आया है। हम ये नहीं पूछते कि तुमने रिवाइज किया कि नहीं किया, अपने हाथ से लिख दिया इसका मतलब पढ़ के ही आया है, राइट। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होगी, तो आपने एक बार लिख लिया फिर टेस्ट होगा तो एक बार और पक्का हो गया। और ये मेरा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, इस साल भी पेपर हुआ 2019 का, इस साल भी होगा। जो मैंने शीट्स प्लस वन प्लस टू की लिख दी वो कम से कम 5 किताबों में से लिखता हूँ मैं, 5-6 किताबें कहीं नहीं जाती। एच सी वर्मा से लेके एस एल रोड़ा, आपको नाम भी नहीं बताऊंगे, जितनी भी ऑब्जेक्टिव किताबें हैं वो सब छांट के मैंने लिख रखी हैं शीट्स। जो पेपर आपका मेंस या नीट का आएगा, अगर आप ये रिटेन कर गए 2 साल का कोर्स, मेरे जो हाथ से लिखी हुई शीट्स रिटेन समझते हो, उसमें से कुछ पूछा जाए और आपने आपको आता हो, आपकी सिलेक्शन गारंटेड बहुत बढ़िया कॉलेज में होने वाली है। मोर देन 50% ऑफ पेपर इन शीट्स में से आएगा। कॉम्पिटिशन का पेपर मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, बहुत बड़ा एरिया है, पर मेरी शीट्स भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। मतलब आप बाइंड करवाओगे तो कम से कम 5-4 किताबें तो निकली आएंगी इसमें से और आपके रजिस्टर्स की लाइन अच्छी खासी निकलने वाली है। बट इतनी मेहनत के बाद सीट मिलना एक सक्सेस की फीलिंग यही है और कुछ नहीं है, राइट। तो हम इस स्पेस पे चल नहीं पाएंगे ना, जैसे हम चल रहे थे, वो पूरा साल चलाएंगे तो कैसे खत्म होगा, बहुत बड़ा कोर्स है। तो मैं स्टार्ट करता हूं विद एरर्स। एरर्स का चैप्टर किसमें डील करेगा इसको समझते हैं। सपोज करो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और एक्सपेरिमेंट में मेरे को मेरे टीचर ने कहा कि एक, क्योंकि देखो साइंस है और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है, मशीन काम करती है, किसी इंजीनियरिंग में किसी भी इंडस्ट्री में मशीन्स के ऊपर काम है और ह्यूमन के ऊपर काम है। तो ह्यूमन कहीं ना कहीं या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं ह्यूमन के अलावा जो गलती कर देते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे को, मैं लैब में काम कर रहा था, फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैब में एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें पानी था, पत्ती सी एक कैपिलरी ट्यूब थी उसमें पानी था। मेरे को टीचर ने कहा कि उसकी रीडिंग लेके आओ बस। मैं किया, बहुत बारीक रीडिंग लिखी हुई थी, स्केल रीडिंग बहुत छोटी थी। मैंने कहा रीडिंग 2 मीटर है।
दूसरे स्टूडेंटों का रीडिंग लेके आओ, बारीक रीडिंग थी, वो बोलता 2.1 लग रही है मेरे को, तो बारीक है ना, बंदा ध्यान से काम कर रहा है नहीं कर रहा क्या पता, ऊपर से पानी भी हिल रहा है पंखे के चक्कर में, वाइब्रेट कर रहा था पंखा भी, मान लो तेज चल रहा है, कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, कोई भी रीजन हो सकता है मेरा ध्यान ना हो काम करने में, मैंने ऐसे ही बोल दिया 2 लिख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, टीचर को थोड़ा पता लगेगा कोई, दूसरे ने भी कहा 2.1 बोल देते हैं, तीसरा कहता है 1.9 लग रहा है, चौथा कहता है 2.2 लग रहा है, क्या करेक्ट रीडिंग है पता नहीं। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, सपोज करो कि आपके पास एक टाइल्स लेने चलते हैं और इस फ्लोर की टाइल लेके आनी है, और इसकी जो लेंथ थी वो 20 मीटर थी और ये 10 मीटर था, तो एरिया क्या बनता था, 20 × 10 200 मीटर स्क्वायर का एरिया था, उसकी टाइल मुझे चाहिए थी। मैंने कहा यार कौन मेजर करेगा, देख ले कितनी की है, 20 चलो जी 20.5 ले लेते हैं, और ये 10 चलो 10 की जगह 10.5 ले लेते हैं। अब 10.5 नहीं है वो, जब 10.5 मैंने अपनी गलती से ध्यान नहीं दिया या मुझे आलस हो गया कि कौन मेजर करेगा आराम से एक एक उसको इंच में जा जाके, तो मैंने कहा यार 10 के 10.5 ले लेते हैं। अब 10.5 × 0.5 ज्यादा लिया और उधर से भी 0.5 ज्यादा लिया, जब एरिया में मल्टीप्लाई करोगे वो फैक्टर बहुत बड़ा जाएगा। आप कहोगे रूम में थोड़ी एक का टाइल ज्यादा आ गई तो क्या हो गया, मान लो आपको ऐसे 1000 कमरे डालने थे, अब बोलो नुकसान करने वाले हो आप लोग, तो ऑब्वियसली वो 0.5 वैल्यू बहुत महंगी पड़ने वाली है आपको जब आप लार्ज स्केल पे काम करोगे। नासा ने या इसरो ने रॉकेट भेज सैटेलाइट भेजनी है, नहीं वो आराम से बैठ के चलो भर दो यार, क्या वेलोसिटी रॉकेट की 10 नहीं लेंगे तो 11 नहीं लेंगे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, सैटेलाइट इस ऑर्बिट में बैठ गया तो हर चीज कैलकुलेटेड है, तो वो 0.001 का एरर को भी बहुत बड़ा एरर मानते हैं। क्लियर है यहां तक? कटिंग करनी है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कटिंग करनी है किसी किसकी लेंस की कटिंग करनी है, और लेंस कहां फिट होना है, किसी कैमरे के आगे फिट होना है। अब उसकी कटिंग इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए, इतनी एक्यूरेट एमएम से भी छोटी रीडिंग में, कि अगर वो साइज अनइक्वल हुआ उसकी फिटिंग नहीं आएगी, सारी इंडस्ट्री खराब होगी, ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी। मशीन्स फिट होती हैं, कार्स फिट होती हैं, पूरी उसी जगह में फिट होती हैं जहां पर वो रिक्वायर्ड है। इसका मतलब इंजीनियर्स ने, इन लोगों ने, ऐसा नहीं कि एरर्स नहीं होते, इनसे एरर्स होते हैं, लेकिन ये अपने एरर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, एरर को रोका नहीं जा सकता, गलती तो होनी है, ह्यूमन जहां पर होगा गलती तो हो ही जाएगी, बट एरर्स को कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है ये चैप्टर आपको बताएगा। ठीक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं। सपोज करो एक मिनट के लिए, सपोज किसी ने कहा कि एक रीड, मैंने किसी को कहा कि एक रीडिंग लेके बताइए इस टेबल की रीडिंग, कहता कि 2 मीटर है, मैंने कहा हाँ 2 मीटर का बेंच ठीक है इट्स ओके। सोचो वो गलती करता है और मुझे कहते हैं सर 2 की जगह ना 4 मीटर का लंबा बेंच लग रहा है, ये गलती नहीं है ये ब्लंडर है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, फिजिक्स कुछ नहीं कर पाएगी। जो बंदा 2 मीटर का 4 मीटर लेंथ बोल रहा है उसके साथ काम ही नहीं करना चाहिए, ठीक, लेकिन जो 2 मीटर का 2.1 बोल रहा है ठीक है वो चलेगा इंडस्ट्री में, इतना चलता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? 2 का 2.1 भी चलेगा, 2.2 भी चलेगा, 2.3 भी चलेगा, 2 का 4 नहीं चल सकता। तो एरर्स बहुत बड़े आपको नहीं दिखने वाले, एरर्स आपकी कैलकुलेशन में बहुत छोटे दिखने वाले हैं। जैसे मैंने इसको कहा एक टेबल की रीडिंग ले, कहते 2 मीटर है, मैंने कहा पक्का, कहता नहीं मुझे लग रहा है कि मेरे से गलती भी हो सकती है, मैंने कहा कितने की, कहता 0.1 की, मैंने कहा 0.1 की, कह रहे 0.1 ज्यादा भी हो सकता है 0.1 कम भी हो सकता है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब या तो 2.1 होगा या 2 भी हो सकता है या 1.9 के बीच में भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। तो एक स्टूडेंट को कहा कि एक्यूरेट रीडिंग बता क्या है, वो कहता है जी पक्का रीडिंग 100% 2 है, और मान लो वाकई रीडिंग कितनी थी, 2 थी, मान लो सच में रीडिंग 2 ही थी, करेक्ट रीडिंग 2 थी, तो जो तो बिल्कुल श्योर है और सही में रीडिंग 2 है वो साथ में प्लस माइनस नहीं बोलेगा, वो तो कहेगा 2 रीडिंग है बात खत्म। लेकिन जो श्योर नहीं है या उसने गलती कर दी कितने की 0.1 की, तो वो साथ में क्या बोल रहा है 0.1। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट को कहा कि तू मेजर करके बता किसी और चीज की रीडिंग, टेबल की रीडिंग, तो इसने कहा कि वो 3 मीटर लंबा टेबल है और जिसमें हो सकता है कि एरर 0.1 का आ सकता है, तो एंड में क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 0.1।
अब मेरे को क्या करना था, इन दोनों स्टूडेंट्स की जो रीडिंग आई उन्हें क्या करना था, ऐड करना था। अगर ये मुझे करेक्ट रीडिंग दे देते ना, दो और तीन, मेरी बात ही बन गई थी, मेरा आंसर पक्का पांच था। अब ये क्या पंगा पड़ गया, इन्होंने गलत रीडिंग दे दी पॉइंट वन पॉइंट वन की। अब मुझे ये पता है कि करेक्ट रीडिंग तो पक्का आंसर क्या देगी, पांच। अब मैं एरर्स क्या क्या करूं, आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि करेक्ट रीडिंग टू है, करेक्ट रीडिंग तीन है, तो बोलो ऐड करने पे आंसर क्या आएगा। यार दो प्लस तीन पांच, सर बच्चे को भी पता है, ये थोड़ा ना आएगा। क्वेश्चन यहां से आएगा कि जो फर्स्ट स्टूडेंट ने गलती की पॉइंट वन की, जो दूसरे स्टूडेंट ने गलती की पॉइंट वन की, तो ये आपको गलत रीडिंग दे रहा है, ये भी आपको गलत रीडिंग दे रहा है, कुछ एरर्स दे रहा है बीच में, तो एरर्स का क्या करूं। किसी ने कहा सर एरर्स का क्या करना है, बीच में वो भी ऐड कर दो, तो आंसर क्या आया, पॉइंट टू। ठीक है, पांच तो करेक्ट रीडिंग आनी ही थी, अगर ये एरर्स ना होते आंसर पांच तो पक्का ही था। फिर मैंने पूछा एरर्स का क्या करना, वो कहता क्या कर दो, इन्हें भी ऐड कर दो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक। तो जो गलतियां वो भी कैलकुलेशन में, क्योंकि एक्चुअल नंबर ऐड हो रहे थे तो गलतियां भी साथ में ऐड हो गई, लॉजिक समझ में आता है। ठीक है, कि अगर ये लेंथ 2.1 देगा और ये लेंथ 3.1 देगा, तो ऑब्वियसली मैं 2.1 और 3.1 को ही ऐड करूंगा ना, तो आंसर 5.2 ही आएगा। समझ में आया यहां तक। फिर मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने कहा एक बात बताओ, पहली और दूसरी रीडिंग ये थी, कहता हाँ। मैंने कहा मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, अगर ये मुझे एरर ना देते, सबको पता है टू में से थ्री गया तो आंसर माइनस वन है, पर क्वेश्चन ये है कि ये तो मेरे को एरर भी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इन एरर्स को भी आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करके आंसर जीरो बोल दिया, आपको कि ये बढ़िया है, एक तो दो बंदे गलत गलतियां कर रहे हैं, ऊपर से इनका टीचर भी देखो आंसर कह रहा है कि दोनों के सही आएंगे, दो गलत बंदे सही आंसर निकाल रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो हाँ, एक्चुअल नंबर में माइनस होगा वो तो ट्रू है, अगर कोई गलती ना करता तो टू में से थ्री माइनस करना था, तो आंसर माइनस वन ही था। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनकी एरर्स का मैं क्या करूं, जो एरर्स आ रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या मैं इन्हें ऐड कर दूं, क्या मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं, ये चैप्टर आपको बताएगा। और उसी तरीके से अगर आप दो नंबर्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, अगर एरर ना होता, सबको पता है टू इंटू थ्री क्या होता है, सिक्स, पर अगर साथ में एरर्स हैं तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये चैप्टर आपको बताएगा। ठीक, अभी नहीं बता पाऊंगा इसकी। और ऐसी अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूं जिनमें एरर्स हैं, अगर तो एरर ना आता फिर तो पक्की बात है आंसर टू बाई थ्री है, फिर डिवाइड कर दूं, पॉइंट वन को पॉइंट वन से डिवाइड करोगे तो वन, इतनी बड़ी वन की गलती, कहां पॉइंट वन थी, डिवाइड करने पे वन नहीं, कुछ लॉजिक सब बनाने। तो ये चैप्टर इनमें डील नहीं कर रहा करेक्ट वैल्यूज की के एलजेब्रा में, ये किसके एलजेब्रा में डील कर रहा है, एरर्स की के अंदर। क्योंकि आप कहोगे सर मशीन ठीक कर लो एरर देगी नहीं, नहीं ये भी जरूरी नहीं, मशीन ठीक होते भी एरर आ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। पर ये पॉइंट समझ में आया कि एरर्स ये किसमें डील करेगा, ये डील करेगा किसमें, एरर्स में, एरर्स की कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले एरर की डेफिनेशन, एरर की डेफिनेशन है कि अगर मैं कोई भी, देखो एरर का मतलब गलती है, और मैं ये कहूंगा कि गलती करके भी लाया हूं, गलती करके भी नहीं लाया, आपको दिखाता हूं कैसे। पहली चीज, ये एरर का चैप्टर स्टार्ट है और गलती से ही स्टार्ट है। मेरे पास एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, और मेरा एक्चुअल वेट मान लो 80 न्यूटन है, ठीक, बिल्कुल सही मायने में 80 ही है, वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, आंसर 81 आ गया। अब मैं क्या कहूंगा, एरर शो कर रही है कितने का, 1 का। आपने क्या किया, जो आपने वैल्यू मेजर की उसमें से एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, एरर। अच्छा, ये भी तो हो सकता था, मशीन, मेरा एक्चुअल वेट है 80, मशीन ने क्या शो किया, 79, तो एरर कितने का आया, फिर से 1 का। अब आपने क्या किया, अब आपने अपनी एक्चुअल वैल्यू में से छोटी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चाहे तो ट्रू वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, या मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल में से माइनस कर दो, या तो यहां मॉड लगाओ असाइनमेंट में, लिखो करेक्शन, मॉड लगा लो,
मॉड समझ में आता है क्या होता है? मॉड का मतलब ओनली वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड. तो यानी कि ट्रू वैल्यू 80 है, ये वैल्यू 79 है, तो एरर कितने का? 1 का. या ये 79 है, ये 80 है, एरर -1 का, लेकिन मॉड लग के कितना? 1 का. यानी कि 1 ज्यादा 1 कम कुछ भी हो सकता है. कुछ बुक्स डेफिनेशन ऐसे लिखती हैं, लिखो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. लिख लो एरर, इसी में लिख लो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. राइट, करेक्शन कर लो उसे, लिख लो मतलब कि. तो यहां पर ज्यादातर बुक ऑब्जेक्टिव में पूछती है व्हाट इज एरर, ज्यादातर बुक्स ये नहीं लिखती क्योंकि मॉड लगाना पड़ता है, मैंने मॉड नहीं लगाया. ज्यादातर बुक्स लिखती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज एरर, क्योंकि जो मेजर किया उसमें से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करके देखा जाता है. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप क्या मार्क करेंगे? आप चाहे तो इसकी जगह लिख दे, काट के लिख दे चाहे, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल या ट्रू वैल्यू इज नोन एज एरर. पॉइंट समझ में आया? यहां तक कई बुक्स मॉड लगा देती है. ठीक, जैसे एग्जाम्पल है, मान लो मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड वैल्यू इज 2.1 किसी भी चीज की, एंड ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2, तो बोलो एरर कितने का आया? 0.1. ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? टाइप ऑफ एरर, एरर क्यों हो सकते हैं. अब एरर क्यों हो सकते हैं, उसका पहला रीजन है कॉन्स्टेंट. एक मशीन है, मशीन वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन की सुई है 0 पे, पर जो मैं वेइंग मशीन लेके आया उसकी सुई है 5 पे. मेरा वेट है 80, बोलो क्या शो करेगी? 85. आपका है 30, क्या शो करेगी? 35. इसका है 70, क्या शो करेगी? 75. हर बार कितने का एरर आ रहा है? तो कौन सा एरर आ रहा है? 5 का. कांस्टेंट एरर है. तो कांस्टेंट एरर का मतलब जो बार बार सेम वैल्यू से रिपीट हो, कांस्टेंट एरर हो गया. दूसरा एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर, या जो मशीन ही खराब है करोगे क्या? फिर तो पक्का गलत वैल्यूज ही आएंगी. तो एरर होने का यह भी रीजन है, मशीन खराब है. तो मान लो वेइंग मशीन है और डिजिटल है, वे मास आना चाहिए या वेट आना चाहिए 80 न्यूटन, कभी आ रहा है 81, कभी आ रहा है 82, कभी आ रहा है 75, कभी आ रहा है 70. वो टेम्परेचर, वो जो डिजिटल मेजर करते हैं जो थर्मोमीटर, वो तो आधे टाइम ही सेल वीक हो गया तो वैसे ही गलत होना स्टार्ट हो जाता है उसका काम. तो क्या हो रहा है बेसिकली? एरर, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है. कोई कहता है सर इंस्ट्रूमेंटल एरर और कॉन्स्टेंट एरर तो एक ही बात है. मैंने पूछा कैसे? कह रहे इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हर बार 5 का एरर आएगा. मैंने कहा नहीं, डिजिटल थर्मोमीटर है, कभी टेम्परेचर ज्यादा शो कर रहा है, कभी कम शो कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है. क्लियर यहां तक? तो इंस्ट्रूमेंट खराब है तो उसमें भी एरर आ सकता है. इंस्ट्रूमेंट कितना खराब है? अगर ज्यादा खराब है फिर तो पकड़ में आ जाता है. कभी कभी ज्यादा खराब नहीं है, 0.1 का एरर शो कर रहा है, 80 की जगह 80.1 शो कर रहा है, अब वो पकड़ में नहीं आएगा. वो आपको वैल्यू आपको सही लगेगी हमेशा, तो आप उसे क्या करेंगे? नोट करके चलेंगे. अब उसको कैलकुलेशन में यूज करके उस एरर को रिड्यूस करने का काम फिर सेकेंडरी फेज में आएगा, वो हम करेंगे. मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एरर तो हो ही जाना है. हो सकता है छोटे मोटे एरर पकड़ में ना आए, पर कैलकुलेशन में उसको रिड्यूस तो किया ही जा सकता है, ये चैप्टर करेगा. फिर एरर होने का रीजन पर्सनल एरर. पर्सनल का मतलब मेरी अपनी गलती है. गया मैं रीडिंग लेने, कहा रीडिंग लेके दिखाओ, ध्यान है नहीं, ले ले यार 2 मीटर ले ले, क्या फर्क पड़ता है, टीचर को पता लगेगा. अब ये एटीट्यूड 50% लोगों का है, कौन जाएगा, कौन ध्यान से देखेगा, लिख देना, क्या फर्क पड़ रहा है. तो ये एटीट्यूड पर्सनल एरर है. या फिर चश्मा चेंज होना है, दिख ही नहीं रहा, 2 की जगह 2.1 बोले जा रहा हूँ, 2.3 बोले जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल एरर है. ठीक, तो जो मेरी गलती की वजह से है ना, इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है, मेरी गलती है, पर्सनल एरर है. तीसरा एक्सटर्नल रीजन, इसमें तो बस ऊपर वाले की गलती है, अपनी गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है. हुआ क्या, किसी ने कहा जाओ टेम्परेचर मेजर करके आओ. कहाँ मेजर करो? बॉम्बे मेजर करके आओ. बॉम्बे का टेम्परेचर नॉर्मली ना 35 डिग्री के आसपास रहता है, 35-40 के बीच में. आप देखो एक मिनट, मैं उतरा, मान लो प्लेन से उतरा और कहा बस एयरपोर्ट से बस टेम्परेचर मेजर करके वापस आ जाना है आपने. मैं गया, इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैंने टेम्परेचर मेजर कर लिया, उस दिन 20 का आ गया, टिकट पकड़ के वापस आ गया. इसने पूछा टेम्परेचर क्या मेजर करके लाए, मैंने कहा बॉम्बे का टेम्परेचर तो 20 होता है. अब लोगों ने तो मेरे को पागल ही कहना था, ये क्या करके आया है. तो ऑब्वियसली वो किसकी गलती है? अब बारिश पड़ेगी, मेरी थोड़ा गलती है, इंस्ट्रूमेंट मेरा ठीक था, ध्यान मेरा था, सब कुछ करके आया हूं, पर फिर भी रीडिंग गलत आ रही है.
हिमालय में चला गया प्रेशर माउंटेन्स पे प्रेशर मेजर करने, प्रेशर मिनट में वहाँ चेंज हो गया, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होते रहते हैं, प्रेशर लो हो गया एक मिनट में। अब नॉर्मली प्रेशर वहाँ पर मान लो 10 यूनिट्स का रहता है, लेकिन जिस दिन मैं गया वहाँ प्रेशर गिर गया, अब उसमें मेरी तो कोई कसूर नहीं। तो उसमें क्या है, ये इंडिविजुअल केयरनेस है और ये टेम्परेचर और प्रेशर है। लास्ट कैटेगरी है रेंडम। रेंडम समझते हो, रीडिंग आई 2.1 और आनी चाहिए थी 2, ये नहीं समझ में आया कि हुआ कैसे। टीचर ने कहा आप ध्यान से काम कर रहे थे, बहुत ध्यान से काम किया, फिर रीडिंग ऐसी गलत हो गई। इंस्ट्रूमेंट ठीक था, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक लग रहा है, अब पता नहीं कितना ठीक है, डिजिटल मशीन है, पता नहीं कितना की सेल वीक है उसका, पकड़ में नहीं आ रहा। ध्यान भी पता नहीं मेरा ठीक भी था नहीं ठीक था ये भी नहीं पता। क्या पता, वही बात, पंखा चल रहा था या नीचे ट्रैफिक ज्यादा था, वहां वाइब्रेशंस हो रही थी, मुझे को क्या पता यार एरर कितना आ गया, कैसे आ गया। अब वो तो एरर आएगा, अब किस किस चीज को पकड़ लोगे एरर में जाके। तो जब कैटेगरी समझ में नहीं आ रही क्या एरर है, तो फिर वो रेंडम है, पता नहीं क्यों एरर है। तो हम ये मान के चलते हैं फिजिक्स में कि रेंडम कोई भी रीजन से एरर हो सकते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि एरर तो कैलकुलेशन में आएगा। अब फिजिक्स वाले क्या करेंगे उस एरर का, उसको कम करेंगे, वो कैसे करेंगे, या उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, या उसकी कैलकुलेशन में उसका उसका अलजेब्रा क्या करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। पॉइंट क्लियर है लेकिन यहाँ तक ठीक, अभी तो खैर क्या ही लिखोगे, तो चार डेफिनेशंस ही हैं, लेकिन बिलीव मी जो आम टीचर यहाँ पर 2 पेज में करेगा, हम 4 पेज करेंगे, क्योंकि ये नोट्स आपके हाथ में है, हम यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चीज लगानी आए, राइट। तो अगली बार से ये शीट लेके आनी है, हर लेक्चर में आपको शीट्स मिलेंगी और ऑब्जेक्टिव शीट्स एंड सब्जेक्टिव अब स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एरर्स के साथ।